मैंने 20 मिनट तक इस फेस पैक को रखा है, उसके बाद मैंने नॉर्मल पानी से वॉश किया है और आप मेरे फेस पे देख सकते हैं कि ग्लो कितना प्यारा ग्लो आया है। फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही बेनिफिशियल रेमेडी जो सारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप इसे मतलब वीक में एक बार भी लगाते हैं तो आपकी जो स्किन होगी वो क्लियर होगी, स्किन से दाग धब्बे जाएंगे और आपकी स्किन जो है वो निखरी हुई होगी। चाहे आपकी रंग सांवली हो, चाहे आपकी रंग गोरी हो, जो भी हो, आपकी स्किन जो होगी वो बहुत ही निखरी हुई और ग्लोइंग होगी और एकदम क्लियर होगी। तो ये जो फेस है ये पुदीने के पत्ते का है, यानी मिंट लीफ से बना हुआ है। पुदीने का फेस पैक जो है वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बिकॉज गर्मियों में हमारे स्किन में ऑयल होने लगता है और ऑयल से स्किन में दाग धब्बे पिंपल निकलने लगता है, तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये फेस पैक। तो चलिए बताते हैं कि इस फेस पैक को कैसे बनाना है और इसका बेनिफिट क्या क्या है। तो इसको बताने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। इसके साथ साथ नोटिफिकेशन बटन भी दबा दीजिए कि आगे से जो भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन आए और आप उसको अच्छे से देख सके और उसका फायदा आपको मिल सके। दोस्तों मैं जो वीडियो बनाती हूँ ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के मैं वीडियो बना देती हूँ। मैं होगा कि मैं कोई भी फेस पैक जो भी बनाती हूँ आपको बताती हूँ, पहले अपने फेस पे लगाती हूँ उसके बाद आपको बताती हूँ, और हर वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं अपने फेस पे लगा के आपको दिखाती हूँ। तो इट मीन्स मैंने ट्राई किया हुआ है इसे। तो ये फेस पैक आपको कैसे बनाना है चलिए बताती हूँ कैसे बना। इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले जो आपको चीज लेनी होगी वो फ्रेश मेंट लीव लेनी होगी, यानी पुदीने का पत्ता लेना है। पुदीने का पत्ता आपको अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद आप इसको क्या करेंगे, एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है। एक पेस्ट बनाने के बाद आपको इसमें जो ऐड करना होगा वो करना होगा खीरे का तेल, यानी खीरा क्या करना है आपको कद्दूकस कर लेना है और इसको 1 से 2 चम्मच इसमें ऐड कर लेना है। इसको अच्छे से मिक्स करके आपको 1 या 1.5 चम्मच आपको लेना है दही। और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके बाद जो चीज आपको लेनी होगी वो लेना होगा नींबू। नींबू आपको क्या करना है, 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा मतलब ज्यादा नहीं, 1 चम्मच आपको नींबू इसमें डालना है। नींबू का रस डालने के बाद इसको क्या करना है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। पुदीना जो होता है वो स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें पुदीने में जो है वो सिलिक नाम का एक एसिड पाया जाता है जो स्किन के दाग धब्बों को दूर करता है और इसको कंट्रोल भी करता है कि आगे से मतलब जैसे गर्मियों में दाग धब्बे पिंपल होने लगते हैं उसको भी दूर करता है। इस पूरे पेस्ट को बना के इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही किसी ठंडे जगह पे या फ्रिज में नॉर्मल ऐसे रख देना है। ये हमारा जो पैक है ये रेडी है। इसको आप अपने फेस पे एक पतली सी ऐसे लेयर लगानी है। आपने देखा होगा मेरी सारी वीडियो में मैं जो भी पैक लगाती हूँ हाथों से लगाती हूँ। हाथों से इसलिए लगाती हूँ कि हाथों से ब्रश से ज्यादा हाथों से अगर आप कोई भी फेस पैक अपने फेस पे लगाते हैं तो पूरे स्किन में ऑब्जर्व होता है। तो आप ट्राई कीजिए हाथों से ही लगाने के लिए। ब्रश से अगर आप ब्रश से लगाना चाहते हैं तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, बट हाथों से लगाने से स्किन में ये पूरी अच्छे से ऑब्जर्व होता है। इसको पतली सी लेयर लगानी है। लेयर लगाने के बाद इसको 10 मिनट के लिए सूखने देना है। पुदीना जो होता है इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो स्किन को बेहतरीन तरीके से अंदर से सफाई करता है और स्किन के जो दाग धब्बे होते हैं उसे जड़ से खत्म करता है। पुदीना का फेस पैक जो है वो गर्मियों में बहुत ही बेनिफिशियल होता है और स्किन को बहुत ही रिपेयर भी करता है। स्किन से सारे स्किन की जो भी प्रॉब्लम है उसे दूर करता है और स्किन को निखारता भी है। तो इस फेस पैक को 10 मिनट तक ऐसे ही सूखने देना है। उसके बाद इसके ऊपर एक और लेयर आपको लगानी है 10 मिनट के बाद, और उसको भी 10 मिनट तक सुखाना है। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से इसे वॉश कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको वॉश करके दिखाती हूँ 10 से 20 मिनट के बाद। मैंने 20 मिनट तक इस फेस पैक को रखा है, उसके बाद मैंने नॉर्मल पानी से वॉश किया है और आप मेरे फेस पे देख सकते हैं कि ग्लो कितना प्यारा ग्लो आया है। इसको आप वीक में एक बार लगाते हैं गर्मियों में
तो आपकी स्किन जो होगी वो बिल्कुल क्लियर होगी और आपकी स्किन से सारे दाग धब्बे जो होंगे तो वो दाग धब्बे भी जाएंगे। जिनकी स्किन पे दाग धब्बे है वो एक बार इसे जरूर ट्राई करें। वीक में 4 बार या 3 बार आप करते हैं तो आपको इफेक्ट तुरंत दिखेगा आपको अपने फेस पे। तो फ्रेंड्स, ये जो फेस पैक है वो गर्मियों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप एक बार जरूर ट्राई करें, वीक में एक बार लगाएं, 3 से 4 बार लगाएंगे तो आपकी जो स्किन होगी वो बहुत ही फ्लॉलेस होगी और आपकी स्किन खिली खिली होगी। तो ये रहा आज की का ये फेस पैक रेमेडी। अगर आपको पसंद आता है तो मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू।